प्याज लहसुन तीन मिर्ची तीन लहसुन की कली ये बड़े लहसुन है धनिया आलू अलग से फ्राई करने के लिए और थोड़ा पुदीना अगर आप पसंद करते हैं तो अभी सबको एक साथ ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे और आलू को फ्राई करने के लिए डाल देंगे इन सबका एक पेस्ट बना लें सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें और अपने हिसाब से सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इसमें रिफाइंड सरसों दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ अगर आप बरी खाने के शौकीन हैं तो पहले एक टुकड़ा बरी एक टुकड़ा बना होता है इसे तेल में फ्राई कर लें और निकाल लें हमारा बरी फ्राई हो चुका है अब हम अपने हरे मटर को पीछे डाल कर पीस लेंगे और जो मसाला हमने बनाया था उसको हम भूनने के लिए आलू के साथ ही डाल देंगे अगर आपके पास हरा मटर नहीं तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से भून लें और डिफ्रॉस्ट कर लें हमारा हरा मटर इसको तैयार है अब हम इसी आलू में एक पीछे मसाले को डालकर फ्राई करेंगे थोड़ा सा भूनेंगे सूखा हो जाएगा इसीलिए हमने इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है लेकिन आप अपने हिसाब से ऐड करें अभी जो इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही है हमारी मम्मी की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल गाढ़ा ना बिल्कुल पतला आप चाहें तो इसे ढक दें अब हमारा मेहमान खुल रहा है अब ये लगभग तैयार हो गया है अब हमारा नमूना खाने के लिए तैयार है इसे गर्म गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करें और ऊपर से थोड़ा सा घी डालकर खाएं वेंडा कीजिए हमारा यूपी का नमूना मटन नमूना